पास आ रहा हूँ, पुलिस को मिलेगी नहीं। आरटीआई के खुलासे के बाद शहर में हड़कंप मच गया। शहर में जितने भी मासूम लापता हुए हैं उनमें कुछ बच्चों की उम्र 1.5 से 2 साल के बीच ही है। ये सभी बच्चे अलीगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गायब हुए हैं। वही लापता बच्चों का सुराग लगाने में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मैंने आरटीआई जो लगाई थी, मैंने पूछा था कि जो बच्चे गायब हुए हैं उनका क्राइम नंबर क्या है, तो पुलिस ने बहुत एक तरह से मजाक करते हुए मुझसे कहा है कि केवल 4 या 5 केसों में उन्होंने क्राइम नंबर देते हुए बाकी के बच्चों का क्राइम नंबर ही नहीं दिया गया। इसका मतलब तो यह है कि बच्चों की जो रिपोर्ट है गुमशुदगी की वो दर्ज ही नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट मासूमों के गायब होने के मामले को मानव अधिकार हरण मान रहे हैं। साथ ही इस मामले पर उदासीन पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं। अब पुलिस कहती है कि अपने घर से वो स्वयं चला गया, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इतने बच्चों का खोना, पुलिस का बिल्कुल निष्क्रिय रहना, और हमारी गवर्नमेंट जो कि सपा गवर्नमेंट है, पहले भी निठारी कांड हुआ था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ये आम बात है। तो मुझे लगता है कि अलीगढ़ में ये हो रहा है और पूरे प्रदेश भर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल अलीगढ़ पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन जिस तरह मासूमों के अगवा होने के मामले सामने आए हैं उससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। के न्यूज के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट।